तीन काटने वाले। एक समय की बात है, एक बुनकर औरत अपने छोटे से गांव में अपनी बेटी नौरा के साथ रहती थी। जबकि औरत पूरा दिन सूत काटती थी, नौरा उसकी मदद नहीं करती थी। नौरा को चरखे की आवाज से नफरत थी, पर उसे पेंट करना बहुत अच्छा लगता था। उसकी माँ सोचती थी कि पेंटिंग समय की बर्बादी है। नौरा, प्यारी नौरा, सुनो, तुम क्या कर रही हो? सूत काटने में मेरी मदद करो। एक मिनट माँ, मेरी पेंटिंग बस खत्म होने ही वाली है। कितनी बार कहा है कि पेंटिंग करना समय की बर्बादी है? क्या तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है? मैं पूरा दिन काटती हूँ ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें और तुम बस यही करती हो, समय की बर्बादी। पर माँ, मैं मकान मालिक के लिए पेंटिंग कर रही हूँ। उसने कहा है कि वो मुझे इसके लिए अच्छी रकम देगा। छोड़ो ये सब, तुम कुछ अमीर लोगों को एक या दो पेंटिंग बेच सकोगी। हमारे राज्य में ऐसे कितने लोग हैं, पर हर एक को कपड़े की जरूरत है, तो बहुत से लोग हमसे कपड़े खरीदेंगे। तो अपना समय काटने में बिताओ, चलो अभी बाहर आओ। ये तकरीबन रोज का ही रोना था। नौरा पेंटिंग करने के लिए बैठती और उसकी माँ उसे ये करने नहीं देती। एक दिन उसकी माँ इतने गुस्से में आ गई कि उसने नौरा के पेंट और ब्रश फेंक दिए। नौरा बाग में बैठकर रोने लगी। हुआ ये कि उसी पल वहाँ से महारानी गुजर रही थी। जब उसने नौरा को रोते हुए देखा, उसने अपनी बग्गी को बुनकर महिला के घर के सामने रोकने को कहा। गाड़ीवान, रुको। अब रोना बंद करो। क्या स्वयं महारानी पधारी हैं? शुभ दिन महारानी। शुभ दिन महोत्तरमा, क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। शुभ दिन महारानी जी। शुभ दिन, तुम बहुत सुंदर हो। धन्यवाद महारानी जी। रो क्यों रही थी, क्या बात है? मैं क्या बताऊं महारानी साहिबा, मेरी बेटी बहुत मेहनती है। उसे कताई और बुनाई बहुत पसंद है। मैं उसे आराम करने को कहती हूँ, पर वो बिल्कुल नहीं सुनती। माँ, जब मैंने इसे आराम करने को मजबूर किया तो ये रोने लगी। मैं एक गरीब औरत हूँ महारानी साहिबा, मुझे इतना ज्यादा सूद कहाँ से मिलेगा ताकि वो दिल खोल कर काट सके, बताइए। मैं बहुत प्रभावित हुई ये देख कर कि मेरे राज्य में इतने मेहनती लोग हैं। तुम अपनी सुंदर बेटी को मेरे साथ क्यों नहीं भेज देती? मुझे चरखे की आवाज बहुत पसंद है और मेरे महल में जरूरत से ज्यादा सूत है। यदि वो तीन भरे कमरों का सूत काट देती है तो मैं उसकी शादी अपने सबसे बड़े बेटे से कराऊंगी। ये कितने सम्मान की बात होगी मुझ जैसी गरीब महिला के लिए महारानी साहिबा, धन्यवाद। पर माँ। तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं खुद की देखभाल कर सकती हूँ। महल जाओ, आखिर स्वयं महारानी तुम्हें अपने साथ ले जाने को राजी हो गई है। जाओ जाओ। सो नौरा को रानी के साथ जाना पड़ा शाही महल में। रानी नौरा को उन तीनों कमरों में ले गई जो बेहतरीन पटसन से भरे हुए थे, जो नौरा ने कभी नहीं देखे थे। रानी ने उससे कहा, आज आराम करो, पर जितना जल्दी हो सके तुम्हें ये सारे पटसन काटने होंगे। हाँ महारानी जी। नौरा घबरा गई इतने ढेर सारे पटसन को देखकर कि उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। उसने पूरा दिन बस पटसन के रेशों की तरफ देखते हुए बिताया। अगले दिन रानी सकते में आ गई कि कुछ भी नहीं किया गया था। ये क्या, तुमने अभी तक काटना शुरू नहीं किया नौरा? क्षमा करना महारानी साहिबा, पर मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है कि मैं बस खुद को काम में लगा ही नहीं सकी। मुझे क्षमा करना। ओह, मैं समझ सकती हूँ, फिक्र मत करो, अपना समय लो। महारानी चली गई, पर नौरा सचमुच चिंतित थी। उसने सचमुच कभी नहीं सीखा था कि इतने बढ़िया पर्सन को कैसे काटते हैं, और उसे ऐसा करने से नफरत थी। वो रानी को ये सच्चाई बता देना चाहती थी कि उसे कताई कितनी नापसंद है, पर वो इस बात से चिंतित थी कि महारानी शायद उसकी माँ को झूठ बोलने के लिए सजा देगी। नौरा चिंता से इतनी बोझल हो गई कि वो रोने लगी।
अचानक उसने कदमों की आवाज सुनी। उसने तीन औरतों को अपनी ओर आते देखा। तुम कौन हो और तुम कहां से आई हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। फर्क इससे पड़ता है कि हम यहां क्या करने आए हैं। और हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं मेरी बच्ची, यदि तुम हमें मदद करने दो। मेरी मदद? कैसे? हमें पता है कि तुम्हें कताई पसंद नहीं है, तो हम ये पूरी पटसन तुम्हारे लिए काटेंगे। ठीक है? सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी इस दया की कीमत कैसे चुकाऊंगी? हमें बस एक चीज चाहिए। नहीं, वो हमें नहीं करने देगी। हम बहुत बदसूरत हैं। हम सोच भी क्या रहे हैं। चलो पत्सन काटें और चले यहाँ से। चलो। पर क्या बात है? तुम क्या चाहती हो? मुझे बताओ। यदि हम सारी पत्सन काट लें, तो क्या तुम हमें अपनी शादी पर बुलाने का वादा करोगी और शाही परिवार में कहोगी कि हम तुम्हारी मौसी हैं? बोलो। वो ऐसा नहीं करेगी। हमारी और देखो, हमारे इतने सूजे हुए अंगूठे हैं पांव के, ऐसी तिरछी नजरें हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, और इतने भयानक बड़े बड़े होंठ। हमें कभी न्योता नहीं देगी, वो भी शाही परिवार के आगे तो बिल्कुल नहीं। हम बहुत बदसूरत हैं। तुमने सही कहा। बेशक मैं तुम्हें निमंत्रित करूंगी। और कौन कहता है कि तुम बदसूरत हो? तुम मेरी मदद कर रही हो मेरी जरूरत के समय में। ये संसार की सभी शारीरिक सुंदरता से ज्यादा मूल्यवान है। न केवल मैं तुम्हें निमंत्रित करूंगी, तुम हमारी मेज पर सबके सामने बैठोगी राजकुमार, और मेरे साथ हमारे साथ खाना खाओगी। तुम सचमुच ऐसा करोगी? क्या राजकुमार को गुस्सा नहीं आएगा? शायद वो तुमसे शादी करने से भी इनकार कर दे यदि हम जैसी इतनी बदसूरत औरतें मेज पर तुम्हारे साथ बैठे। यदि राजकुमार इतना तुच्छ निकला कि वो अपनी होने वाली दुल्हन के प्रिय रिश्तेदारों की बेइज्जती करे, तो फिर मैं उससे शादी करने से इनकार कर दूंगी। पूरी जिंदगी हमारा मजाक उड़ाया गया है और हम बस तरसते रहे थे थोड़े से आदर के लिए अपनी पूरी मेहनत के बदले। धन्यवाद नोरा। अब देखना हम कैसे पूरे पटसन को सबसे महीन सूत में काट देंगे जो तुमने कभी ना दिखा हो। तो तीन बुनकर औरतें चरखे पर काटते बैठ गईं। उन्होंने पूरी रात काम किया और सुबह तक उन्होंने ज्यादातर कमरा खत्म ही कर दिया था। जब उन्होंने आती हुई कदमों की आहट सुनी तो गायब हो गई। रानी ये देखने आई थी कि नोरा ने कितनी प्रगति की है। अरे नोरा, एक ही रात में तुमने इतनी अधिक पत्सन कैसे काट ली, बताओ तो। गुड मॉर्निंग महारानी साहिबा। खैर, मैंने भी कभी अपने जीवन में इतनी बढ़िया पत्सन नहीं देखी। क्या फिर तुम पूरी रात काम करती रही? सचमुच महारानी साहिबा, जिस तरह पटसन चरखे पर कतती है, ऐसे लगता है जैसे जादू है। तुम जरूर थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। मैं करूंगी महारानी साहिबा, धन्यवाद, पर तभी जब सारी पटसन काट ली जाएगी। नोरा ने महारानी से झूठ नहीं बोला था, पर फिर भी तीन बुनकर औरतों से अपना रहस्य उसने किसी तरह छिपा लिया था। जब रानी चली गई तो औरतें वापस आईं और काम शुरू किया। मैं शाही दावत के लिए अपना लाल रेशम का ड्रेस पहनूंगी। और मैं तो अपना हरे रेशम का ड्रेस पहनूंगी। और मैं अपना पीले रेशम का ड्रेस। बुनकर औरतें इतनी उत्सुक थीं नोरा और राजकुमार की शादी पर निमंत्रण किए जाने के लिए। उन्होंने खुशी खुशी सारा पटसन काट दिया और सप्ताह के अंत में पटसन के तीनों कमरे बहुत ही महीन धागे से भर गए थे, जो रानी ने पहले कहीं नहीं देखे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा माय डियर, ये बहुत सुंदर है। मुझे तुम पर गर्व है। धन्यवाद महारानी साहिबा। मुझे बहुत खुशी होगी तुम जैसी इतनी परिश्रमी और मेहनती लड़की को अपने बेटे के दुल्हन के रूप में पाकर। अपनी माँ को बुलाओ और चलो शादी के इंतजामों को हम मिलकर अंतिम रूप दें। इसी संदर्भ में एक बग्गी नोरा की माँ के घर भेजी गई
ताकि उसे महल में लाया जाए। नौरा ने अपनी माँ को उन बुनकर औरतों के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम उन्हें शादी में निमंत्रित करने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? माँ, मैंने उनसे वादा किया है। बेवकूफ मत बनो नौरा। रानी और राजकुमार को इतनी बदसूरत औरतों को मेहमान के रूप में पाना कैसा लगेगा? माँ। शुभ दिन महारानी साहिबा। शुभ दिन मोहतरमा। मैंने सोचा कि समय आ गया है कि हम मेहमानों की सूची बनाएं। क्या कोई खास है जिसे तुम विवाह में निमंत्रित करना चाहोगी? नहीं। माँ, आप भूल कैसे गई? महारानी साहिबा, मेरी तीन मौसियां हैं जिन्हें निमंत्रित करना है। बेशक माय डियर, मैं किसी को उनके घर निमंत्रण पत्र लेकर भेजूंगी। महारानी साहिबा, ये मौसियां सच में मेरे बहुत करीब हैं। इन्होंने ही मुझे कताई का चमत्कार दिखाया है। मैं स्वयं उन्हें निमंत्रित करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि दावत पर वो मेरे बगल में बैठे। बेशक नौरा, जैसा तुम चाहो वैसा करो। तो अपनी माँ की नापसंदगी के बावजूद नौरा ने उन तीन बुनकर महिलाओं को निमंत्रण दिया। दावत के दिन हॉल का दरवाजा खुला और अंदर आईं तीन बुनकर औरतें लाल, हरे और पीले रेशमी कपड़े पहने। हर किसी ने उनकी ओर देखा, पर नौरा उनकी तरफ दौड़ती गई और उन्हें गले लगा लिया। मेरी प्यारी मौसियां, आने के लिए धन्यवाद। मैं शाही परिवार से तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। ये है महारानी साहिबा, ये है महाराज हमारे राजा, और ये है राजकुमार एडवर्ड। हेलो प्रिय मौसियों, हमने तुम्हारे लिए सीट रिजर्व किए हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ओह शुक्रिया। तुम्हारी पूरी प्रतिभा, तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारी मदद के लिए कम से कम ये तो मैं कर ही सकती थी। नौरा ने उन्हें मेज पर बिठाया और अन्य मेहमानों की अगवानी के लिए गई। उस समय राजकुमार एडवर्ड वहां पहुंचा उन बुनकर औरतों से बात करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आनंद ले रही होंगी। मैं ले रही हूँ, पर काश मैं नाच सकती। पर जब तुम कांपते हो तुम नाच नहीं सकते। क्यों? मेरे सूजे हुए पाँव की ओर देखो, यही होता है जब तुम चरखा चलाते हो। और मैं गा नहीं सकती। पर क्यों? देखो क्या हुआ मेरे होठों को सूत को चाटते हुए। और मैं कामना करती हूँ कि काश मैं रात को बाग में खड़ी हो सकती और सितारों को देख सकती, पर नहीं। पर क्यों नहीं कर सकती? सबसे महीन धागे को देखते रहने से मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। ये होता है जब तुम कांपते हो, बस यही वजह है। ओ नहीं। नौरा डार्लिंग, मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात है? मैं तुमसे विनती करता हूँ कि फिर कभी मत कांपना। देखो इस चीज ने तुम्हारी बेचारी मौसियों का क्या हाल किया है। प्लीज। पर तुम चाहे जो भी करो, लेकिन कताई मत करना। दरअसल मुझे भी कातना पसंद रही, मेरा असली शौक है पेंटिंग। फिर मैं तुम्हारे लिए संसार के सबसे अच्छे रंग लेकर आऊंगा और तुम जी भर के पेंट कर लेना। ये तो एक सपना होगा जो सच हो गया। और एक बात और कहनी है, कृपया अपनी मौसियों को महल में रहने दो। उन्होंने बहुत देर तक और कड़ी मेहनत की है, अब उन्हें शांति और विश्राम के जीवन का पूरा हक है। एडवर्ड, तुम सचमुच बहुत ही अद्भुत और दयालु इंसान हो। और इस तरह से नौरा को फिर कभी चरखे को हाथ नहीं लगाना पड़ा। वो जी भर कर पेंट कर सकती थी और तीन बुनकर औरतें शाही परिवार के साथ महल में रहीं। राजकुमार एडवर्ड और नौरा हमेशा राजी खुशी रहे।